हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं तुम्हारा भाई सुखविंदर सिंह सग्गू मुजफ्फरनगर से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा 2830 10 चक्का टिप्पर है दोस्तों, टाटा कंपनी का। दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, अधिकतर कई कस्टमरों के साथ आ चुकी भी है। तो मैं आप सभी भाइयों से इस गाड़ी के बारे में बात शेयर करना चाहता। वो बात ये थी दोस्तों कि जैसे कि हमारी ये बोगी वाला सा सिस्टम है, इसका क्या होता है, अधिकतर क्या है? आप देखते होंगे कि आपकी जो कमानी है वो फ्रेम में टकराने लगती है कई बार, ड्राइवर साइड से और कनेक्टर साइड से, दोनों साइड से आपकी कमानी एक तरफ ऐसे लगेगा जैसे कि एक दिशा में जा रही है और एक दिशा में थोड़ी बाहर है। तो वो गैप क्यों है और किस वजह से आता है और क्या मतलब प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आज उसी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि कई कस्टमर इस चीज़ के लिए काफ़ी परेशान है। कभी वो कहते हैं कि ट्यूब उल्टी हो गई है, कभी कोई कहता है कि इसके जो गुटके हैं वो ख़राब हो गए हैं, कोई कहता है कि बोगी मुड़ गई है, तो तरह तरह के सौ सवाल और सौ बातें। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा, क्योंकि इस गाड़ी में जो फॉल्ट है, क्योंकि हमने दोस्तों ये गाड़ी खोल रखी है और हम इसने गाड़ी में काम भी किया है। तो जैसे कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये इसकी बोगी का वो है अंदर का, और ये ब्रैकेट है जिसमें इसका बुश वगैरह इसमें आता है। दोस्तों, ये अंदर का जो सिस्टम है, इसमें यहाँ रबड़ वाला ये बुश जो होता है, ये बिल्कुल दोस्तों, ये रबड़ वाला जो दोस्तों बुश है ना, ये बहुत ही मतलब काफ़ी हार्ड और बिल्कुल फर्स्ट क्लास मतलब फिट होने वाला जो गार्डमेंट है, जैसे मान लो वहाँ पकड़ बना दी ना एक, मतलब फिक्स हो जाती है, वो वाली चीज़ है दोस्तों। तो मैं आपको यही चीज़ दिखाना चाह रहा था इसके अंदर वीडियो, मैंने आपको स्पेशल इसी चीज़ के लिए बनाई है, क्योंकि कई जो है मतलब जो टिप्पर चलाते हैं 2830 वाला टाटा कंपनी का, तो उसमें अधिकतर यही दिक्कत आ रही है कि वो जो कमानी है हल्की उधर फ्रेम की तरफ टच होती है, और फ्रेम की टच होने की वजह से वहाँ से बोल्ट वगैरह कुछ और भी कई ऐसे पार्ट जो हैं वहाँ लगे हुए हैं जो उन पर नुकसान होता चला जाता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैंने स्पेशल इस चीज़ के लिए वीडियो बनाया, जिससे कि सभी भाइयों को पता लगे कि जो फॉल्ट होता है वो किस चीज़ में होता है। तो दोस्तों, वो फॉल्ट होता है हमारा इसी रबड़ के गुटके में ही होता है, क्योंकि ये रबड़ का गुटका जो है समय के अनुसार फैल जाता है, और फैलने की वजह से ये जो है गुटका वो एक तिरछा हो जाता है, और कमानी का जो सारा लोड होता है एक तरीके के इस पर ही आता है, वो इसलिए टेढ़ी हो जाती है वहाँ से कमानी। कमियाँ और भी होती हैं दोस्तों कई है, मतलब स्टार्टिंग में जो सबसे पहली कमी तो यही कही जाएगी, उसके बाद जो और भी कई कमियाँ आती हैं, ट्यूब भी उल्टी हो जाती है, जो जो बंदे जो इस चीज़ की डिसीजन करते हैं कि यहाँ भी ट्यूब उल्टी हो गई है, गुटके ख़राब हो गए, वो सब होते हैं, मगर सबसे पहले यही जो है गुटका जो है जल्दी ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी कमानी है एक तरफ जो है फ्रेम में टच होकर चलती है। और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि नीचे बैलेंस रॉड है वो भी ख़राब हो जाए तब भी दिक्कत आएगी। तो मगर स्टार्टिंग में जो फॉल्ट आता है वो इसी का आता है सबसे पहले, अगर आपके कमानी अगर उसमें टच हो रही है तो पूरा ऐसे हिला के देख सकते हैं आप उसे, जैसे मतलब पूरे सिस्टम को कमानी को उतारना पड़ेगा, और उसके बाद बोगी का जो सिस्टम को हिलाना पड़ेगा राड डाल के, तो आपको दिखाई देगा कि हाँ जी इसमें कितनी चाल है। क्योंकि ये सिस्टम जो है थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा सिस्टम, वैसे वो दूसरे वाला ही है जिसमें बुश डलता है और डाल के अपना आराम से फिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें, उसमें काफ़ी गैप भी होता है दोस्तों और गाड़ी में टच भी नहीं होती। और ये इसमें थोड़ा दिक्कत यही रहती है कि गाड़ी में टच होके इसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है, गाड़ी के फ्रेम का भी नुकसान हो जाता है, तो इसलिए दिक्कत आ जाती है। तो दोस्तों, मैं अब आपको वीडियो में दिखाऊंगा आगे कि ये जो हमने खोल रखी है ये फिट भी करनी है हमने अभी, वो आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से हम इसे असेंबल करेंगे और फिट भी करेंगे। तो दोस्तों, जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, और इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे फॉलो करें। और दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसे हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से फिट करते हैं, और जो रबड़ के गुटके आए हैं वो भी हम आपको इसमें शो करेंगे कि कौन से रबड़ के गुटके इसमें आते हैं और कौन सी कंपनी के आते हैं। तो दोस्तों, बने रहना वीडियो के साथ। तो दोस्तों, वो ये गाड़ी है जो हमारे पास आई हुई है 2830, जो कि टाटा कंपनी की है और टिप्पर है दोस्तों, जो कि इधर का हमने कल खोल कर दिया था, और हमारे पास दोस्तों पता ही है तुम्हें काम में लगे रहते हैं। और पल्ली तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये परली साइड का दोस्तों हमने खोला हुआ है,
यही वो जो है दोस्तों मैं आपको दिखाना चाह रहा था, यही वो है जिसके ऊपर वो रबड़ का सिस्टम चलता है। आप देख सकते हैं रबड़ जो है इसके ऊपर चिपक गई है, जैसे गाड़ी चलती होगी गर्म होने के बाद जो इसके ऊपर जो रबड़ है वो अच्छे तरीके से चिपक जाती है, तो उसकी वजह से भी है। और जो गाड़ी के फ्रेम में निशान आ रखे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये टकराव रखा है, ये टकराव आ रखा है हल्का सा, देखो दोस्तों अभी मतलब कि इतने ज़्यादा मतलब डीपली नहीं है, जिसे आप कह सकते हैं कि जैसे ये भी वाला बोल्ट है, ये देखिए यहाँ से जो है इसमें टकराया हुआ है ये, और ये वाला भी देखिए इसमें टकराया हुआ है, तो इतना ज़्यादा मतलब अभी स्टार्टिंग नहीं हुआ था। तो जैसे ही इस चीज़ को देखते हुए तो कस्टमर ने जो है पहले ही मतलब इस चीज़ को देख लिया कि भी दिक्कत आ रही है, तो इसलिए हमने इस काम को अंजाम दे देते हैं। तो बाकी तो इसमें कोई सामान जैसा ऐसे ख़राब नहीं है, जैसे कि ये भी से कह सकते हैं गुटके ख़राब है, ये गुटके भी ख़राब नहीं है, गाड़ी तो नई कंडीशन की है, कुछ ज़्यादा पुरानी भी नहीं है जो समस्या आई इसमें। दोस्तों अब जो है इसे असेंबल करेंगे हम, जैसे मतलब कस्टमर आएंगे लेके, मैंने आपको वीडियो में बताया भी था अंदर का जो गुटका है रबड़ का, गुटका ले आए वो वाला नए वाला, तो दोस्तों ले आए हैं वो गुटका अपना इसका रबड़ वाला जो, दोस्तों ये वाला ही गुटका होता है काफ़ी हार्ड होता है दोस्तों, एक मतलब एक लोहा ही लगता है देखने में, और यही वो गुटका है जिसके अंदर असेंबल होगा यहाँ पे फिट होता है दोस्तों। अब जो है दोस्तों इसके जो हम बोल्ट है फिट करेंगे इसमें, और ऊपर से इसका हेड रखेंगे ऊपर का, और फिर ये मिला कर मतलब पूरा नहीं मिलाना, मतलब ये है कि बोल्ट लग जाए, क्योंकि वहाँ पर इसे पकड़ कर और बोल्ट लगाने बहुत टिपिकल वाला काम हो जाएगा, तो पहले ही बोल्ट इसमें एक एक चूड़ी दो दो चूड़ी चढ़ा ले हैं, जिससे कि आराम से वहाँ जाके पकड़ के उसमें ना दोस्तों फंसा देते हैं, जिससे कि उसमें किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि फिर वो आराम से फिट हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि अगर हम वहाँ ऐसे ही लगाएंगे इसे मतलब गुटकों को पकड़ेंगे, फिर तो दो बंदे चाहिए पकड़ने के लिए, या जैक लगा के नीचे सपोर्ट लगा के फिर ऊपर से रखो, मतलब कहें दिक्कत वही रहती है हिलाने उलने की। तो यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, यहाँ पर अपनी शॉप पर जगह वहाँ पर कहीं भी लोहे के ठीक पर रख कर आप वहाँ पे इसे कोई भी डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं, और चूज़ करने के बाद उसके ऊपर रखकर उसे फिर उसे असेंबल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अब आप ये देख भी रहे होंगे कि वीडियो में कि हमने उसे सेट करके रखा हुआ है, और उसके जो बोल्ट हैं पल्ली तब से लगाए जा रहे हैं, वो इसी पर्पस पे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एक एक दो दो तीन चूड़ी चढ़ जाएँ, और चूड़ी चढ़ने के बाद वो हम वहाँ से ले जाएंगे उठाकर, और वहाँ पर फिर सीधा डायरेक्ट अपने हाथ से ऐसे फंसा देंगे, क्योंकि दोस्तों बाद में पता क्या होता है, अगर हम पहले ही अगर ऐसे ही से फिट करेंगे मतलब डायरेक्ट, तो बाद में कई बार या तो टेढ़ा फिट हो जाएगा या हल्का उधर हो जाएगा, मतलब कि फिट तो सही होएगा मगर वो बोल्ट सही लग ही नहीं पानेंगे, बोल्ट ही नहीं अंदर बढ़ पानेंगे, मतलब पूरी कोशिश कर लोगे तो वहाँ पर लगाने के लिए मैं कहना टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, लग तो जाएगा, लगने को नहीं मना कर रहा हूँ मैं, कोई कहेगा हाँ जी हम लगा देंगे जी क्या है हम तो ऐसे ही लगा देंगे, ये कहने वाले बथेरे मिलेंगे, मगर कहने का मतलब है कि आदमी टाइम या तो खाली हो फिर तो कर ले, जब पता टाइम इस काम में इतना लगता है तो उस हिसाब से उस काम को अंजाम देते हैं छुट्टी से, डेट से और कुछ नहीं है इसमें, अब ये आराम से हो जाएगा छुट्टी, अब बंदे ने जो काम ही है बस पंखा एक ही पकड़ना है तो कोई फ़ायदा थोड़ी है बातों का, तो उसमें टाइम जितना मर्जी लगाई हो कोई फ़ायदा नहीं है, अपना ही नुकसान है। तो दोस्तों हम जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि काम जल्दी जल्दी फाइनल हो, तो ये नहीं है कि काफ़ी टाइम लटकाए रखें टाइम वेस्ट हो। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, ये स्टार्टिंग में जब अगर आप ऐसे बोल्ट चढ़ाएंगे तो ये थोड़ा दिक्कत करेंगे, क्योंकि गुटके नए हो जाते हैं ना अंदर से, उनकी कन्नियाँ टाइट होती हैं तो आमने सामने सेंटर को होने नहीं देते, तो कन्नियाँ थोड़ी बाहर होती हैं, क्योंकि थोड़ा बीच में गैप रहता है इसमें, तो वो गैप जो है इसके अंदर वो इसे मतलब आमने सामने मिलने नहीं देता, कहना वहाँ जाके जो अगर फिट होएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ जाके तो सेट हो जाएगा, मगर यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा दिक्कत रहती है, थोड़ा ये सेंटर करके बोल्टों को चढ़ाना होता है, तीन तीन चार चार चूड़ी चढ़ाने के बाद वो दोस्तों वहाँ से आराम से इसमें फिट कर सकते हैं, क्योंकि टाइट हो जाएगा ना सिस्टम बहुत ज़्यादा, क्योंकि रबड़ का सिस्टम है आपको पता ही है एकदम फिक्स ऐसे पकड़ बना लेता है अच्छी तरीके से बढ़िया वाली। देखा मैंने दोस्तों कई बार कहीं ऐसे कहना नाम नहीं लेना चाहता मैं उन जगहों का, तो वो ऐसे ही फिट करते रहते हैं और लगे रहते हैं कि इसमें फिट करें हम लोग फंसाएँ, क्योंकि ऊपर से जो है बोल्ट फंसाने वहाँ बहुत ज़्यादा ही दोस्तों टिपिकल है, क्योंकि नीचे की जैक की सपोर्ट लगाकर ऊपर से भी रखकर फिर बोल्ट लगाना, फिर उधर क्या चक्कर है दोस्तों, एक बोल्ट जो है वो 90 डिग्री घूमेगा पूरा, 180 डिग्री नहीं घूम पाने का, तो दोस्तों फिर उसमें क्या है, अभी सर हमें 180 डिग्री घुमा सकते हैं पूरा पूरा, उधर क्या है 90 डिग्री की रहेगी भैया, 90 डिग्री ही हमने घुमाना है और उससे ऊपर ज़्यादा घुमा नहीं सकते, तो दोस्तों इसमें क्या है हम पूरा 180 डिग्री घुमाने के बाद पूरा मतलब चढ़ा सकते हैं, और चढ़ाने के बाद वहाँ पे दोस्तों नॉर्मल से दोस्तों आप वीडियो में देखेंगे ना आगे आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से नॉर्मल तरीका है कि यहाँ पे दो दो चूड़ियाँ चढ़ाएं और चार चार चढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं है, भाई इतना कि गैप आ जाना चाहिए कि इसके अंदर ये
फिक्स बैठ जाए, जिससे कि कोई समस्या और कोई दिक्कत ना आए और आराम से काम को अंजाम दे दिया जाए। तो दोस्तों अब जो है इसके अंदर वही चीज़ चल रही है जो हमने आपको पूरी वीडियो में समझाई है और बताई है कि इसमें ये जो है बोल्ट लगाने होते हैं और वो लगाने का ही प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि हल्का वो सेटिंग बैठती नहीं, क्योंकि आमने सामने जो उसकी कन्नियाँ हैं ना रबड़ वाली वो टकरा रही हैं, जिससे कि उसे सेट होने नहीं दे रही हैं। तो दोस्तों एक बार चूड़ी चढ़ गई और उसके बाद वहाँ जाके फिक्स हो गया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि फिक्स हो जाता है फिर टाइट हो जाता है, अपनी पकड़ बना लेता है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के साथ, फिर से हम बाहर लेके जाएंगे और फिट करेंगे और आप देखेंगे वीडियो में। जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए भाई आए हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो भी कर लें और फेसबुक पे भी। तो दोस्तों आगे चलते हैं और करते हैं इसे फिट। दोस्तों आ गई बारी इसकी फंसाने की, जो आपको मैंने बताया था ना किस तरीके से फंसता है वो आप देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में। इसे उठाना है, वहाँ से पकड़ना है बीच में से उंगलियों से और पूरा जोर लगा पड़ना, नहीं तो उंगलियाँ भी आपकी मतलब उसमें दब जाएंगी, नहीं तो उस हिसाब से पकड़ना है मतलब कि जिससे चोट वोट ना लगे। जैसे अब ऐसे फंसा रहे हैं ऐसे नहीं फंसेगा, इसके बीच में से हमें जो है मतलब जहाँ खांचा है वहाँ से पकड़ना है। कैसे पकड़ना है दोस्तों वो आप देखेंगे, क्योंकि जो हमने बोल्टों पे चूड़ी चढ़ा रखी थी ना उन पर हल्की चोट मारते हैं जिससे कि वो नीचे हो जाएगा, तो वो लटक गया ना एक तरीके से, क्योंकि हमने खींच रखा उसे, अब वो नीचे गिरेगा ही नहीं, फिक्स हो चुका है। अब जो है दोस्तों आराम से इसमें देखो कितने बड़े प्यार से आराम से तरीके से आ गया, नहीं आ गया दोस्तों ये पता तो होगा, वैसे कुछ भाइयों को बिल्कुल नहीं पता होगा, पर जिन भाइयों को नहीं पता वो इस रूल को आज से फॉलो करना शुरू कर देंगे और करेंगे भी जरूर। खैर वो उनकी मर्जी है, वो करना चाहे क्या होता, उन्हें मुझसे भी अच्छा कोई तरीका आता हो करने का, बाकी पता कुछ नहीं है, क्योंकि ये फ्रीडम है, कोई भी कुछ नई नई तकनीक करता रहता है कोई ना कोई। तो दोस्तों हमने जो इसमें असेंबल करने का जो तरीका दिखाया आपको, जो सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों आप देख सकते हैं। और दोस्तों मैं और ये भी बता दूं आपको कि जब ये फिट करेंगे तो इसमें जो है मतलब बोल्ट थोड़े हल्के हल्के टाइट होते चले जाएंगे, आगे आगे जैसे बढ़ते जैसे चलाएँगे तो बोल्ट टाइट हो जाते हैं, मगर उनकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए जिससे कि कोई दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार की, और ये फिक्स एकदम सेट बैठ जाता है। तो दोस्तों अब जो है उसमें रबड़ आगे हट चुकी है ना, इसलिए वो उसमें दाब आ रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब जो है मतलब वो फिक्स चल रहा है उसके ऊपर मिलकर, जिससे कि उनके जो गैप हैं वो पूरे बराबर आ जाएं। बस दोस्तों इसमें आपने देख ही लिया है कि किस तरीके से हमने इस बोगी के सिस्टम को आपको दिखाया है कि इसमें जो फॉल्ट होता है वो किस चीज़ का होता है। सबसे पहला फॉल्ट जो होता है इसका ये बोगी का होता है दोस्तों, क्योंकि इसका जो बुश है वो हल्का टेढ़ा हुआ, तो कमानी भी टेढ़ी हुई और साथ में बाकी और सामानों को भी टेढ़ा खींचेगा वो, जिससे दोस्तों आपके सबसे पहले तो बोल्ट टूटेंगे इसके बोगी के अंदर के, और बोल्ट टूटने के बाद दोस्तों लटक जाएगी कमानी और फिर सारा वेट जो आ जाएगा टेढ़ा मेढा हो जाएगा, मतलब कहना क्या उबड़ खापड़ हो जाएगा, और फिर वो कहाँ टकराएगा कहाँ नहीं टकराएगा तो ये तो डिपेंड करता है समय के अकॉर्डिंग, कि वो उस समय पता लगेगा कि कहाँ टकराएगा वो, ऐसे मैं कह नहीं सकता, बाकी टकराएगा जरूर वो इधर उधर भी कहीं भी टकरा सकता है। पता नहीं 3 महीने तक कैसे पिया उनने, वही चल रहा बिन्नी भाई शरीर में सरसों का तेल चल रहा और कह भी तो रहा आज वही चल रहा है इसमें, मैं खून तो चली ना दिख के बोला यूं चल, आज वही चल रहा तेल ढीला है। तो दोस्तों हमने कर दिया है असेंबल, इसकी जो कमी थी जो सारी ए टू जेड जो मतलब बोगी के जो लेदर गुटके वाले थे और प्लस दूसरा इसके बोल्ट भी हमने नए डाल दिए हैं, तो दोस्तों वो पूरा जो है अब कसा गया है बेहतरीन तरीके से, जो कि आप देख सकते हैं कमानी के और रकाबे भी टाइट की जा रही हैं। बाकी दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भाई के पास ये वाली गाड़ी है 28-30 टिप्पर 10 चक्का टाटा कंपनी का, इसकी रकाबों पर ध्यान रखा करें, क्योंकि रकाबे अगर ढीली हो जाएंगी तो दोस्तों बोल्ट भी टूट सकते हैं आपके और जो गुटके हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे।
तो दोस्तों इन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखें, शायद कोई और बताए और कुछ ऐसे भाई भी हैं जो इस चीज़ को शायद जानते भी हों। तो दोस्तों आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी? भविष्य में दोस्तों अगर आपको मेरी ऐसी ऐसी YouTube वाली वीडियो देखनी है तो मेरे YouTube चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।